जल्द अमीर बनने की चाहत में सैंडी गैंग के दो गुर्गों ने मांगी थी हलवाई से 10 लाख की फिरौती। भिवानी शहर के आलू बाजार से प्यारे लाल हलवाई की दुकान पर दुकानदार विजय से 10 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में भिवानी पुलिस ने दो आरोपियों को वारदात के चंद घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों सैंडी गैंग के गुर्गे जिन्हें जल्द अमीर बनने की चाहत में पटाखा बजाने की नकली पिस्तौल से फायरिंग कर हलवाई से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। हलवाई की दुकान पे गोली चल गई है, तो सूचना के आधार पर जैसे ही पुलिस पहुंची त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां मौके पे गए, कैमरे लगे थे, दो अक्यूज्ड मोटरसाइकिल सवार पे कैमरे की सीडी वगैरह वॉच की गई, देखी गई, दो मोटरसाइकिल सवार युवक जिसमें से एक के हाथ में पिस्तौल था और पूरी दहशतगर्दी से उसने जो है वहाँ दहशत मचाई है। और मामला निकल के आया, पूछताछ पे पता चला, जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट दी है कि उसके इस दहशत फैलाने से पहले एक फ़ोन कॉल आई है जिसमें 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। तो 10 लाख फिरौती ना देने की एवज में सहमति ना देने पर जो अक्यूज्ड पक्ष जो पकड़े गए युवक है उन्होंने ये कहा अभी तेरे को इस बात का चमत्कार दिखाते हैं, तो वो लैस होकर के आ गए मोटरसाइकिल पर और वहाँ आकर के गोली चला दी और पतीला फेंक दिया, पतीले का ढक्कन नीचे फेंक दिया और दहशत फैला करके वो चले गए। कितने बाइक पर कितने बदमाश आए थे? बिना नंबर की बाइक थी, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल था काले रंग का, दो बदमाश थे। पकड़े गए युवकों के नाम, एक का नाम आलोक है और दूसरा रोहित है। हमारी टीम ने वो वीडियो देखने के बाद और बहुत ही एक रेडिंग पार्टी के ज़रिए हमारे CIA इंचार्ज रविंदर इंस्पेक्टर ने ये दोषियों को पकड़ने का काम किया है और मामला में ये इनका लोकेशन ट्रेस आउट करके उनको गिरफ्तार किया है। क्या बैकग्राउंड है सर दोनों जो पकड़े गए? पकड़े गए युवक ये गैंग है, एक सैंडी गैंग हुआ करता था, सैंडी गैंग के सदस्य हैं और सैंडी की गैंग गैर मौजूदगी में तो अपने आप को मतलब सैंडी प्रूव करने के लिए जो भी इसी तरह की हरकतें करते थे फिरौतीबाज थे वो जेल में हैं, तो उसकी गैर मौजूदगी में ये प्यारे लाल हलवाई जो कि पनीर का काम करता है, जूस में पनीर की स्पेशलाइजेशन है इसकी, तो इसको धमकी दी है। दोनों ये 18-20 साल के लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं और एक नेवी मर्चेंट नेवी कोर्स भी बस पास किया हुआ है उसने। कौन सा ने सर? आलोक ने। तो पहले भी कोई मामला दर्ज है सर? पहले का अपना रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, देख रहे हैं पूर्व में कोई अभियोग, पूछताछ जारी है। कहाँ के सर ये बदमाश लोकेटेड? कहाँ के रहने वाले? ये भिवानी के ही हैं। भिवानी से? हाँ सर। 10 लाख रुपये मांगे थे क्या उस समय पुलिस को सूचना नहीं थी? इमीडिएट ही एक्शन हो गया, 10 लाख की जैसे फ़ोन कॉल आई तो 5 मिनट के अंतराल में ही उन्होंने ये आगे का कार्य सरंजाम कर दिया। तो पिस्तौल थी पिस्तौल नकली थी लेकिन दहशत फैलाने जो उस टाइम भय का माहौल था, बनिया समुदाय से बिलोंग करता था कंप्लेनेंट और वहाँ एकदम दुकानदार छोटे दुकानदार बड़े दुकानदारों में दहशत फैल गई, भय का माहौल पैदा हो गया। ये जब इनसे ये बरामद हुआ है तो पता चला है कि वो नकली पिस्टल से रबड़ बुलेट चलाया गया था। सर ये सारे मामले में जो धमकी देना दो ही लोग शामिल थे और लोग बीच में हैं? अभी दो ही है, दोषी पे पेश अदालत एक किया जा चुका है, एक को चोट लगी हुई है, जब गिरफ्तार करते वक्त वो गिरने पड़ने से एक को पैर में चोट लग गई तो वो दाखिल अस्पताल है, तो दोनों जब इकट्ठे होंगे तो उसके बाद पता चल पाएगा कि इसके तीसरा भी कोई अगर पीछे षड्यंत्र में शामिल है तो उसकी हमारी जो CIA टीम है तो उसको ज़रूर
पर्दाफाश करेगी।